फिर वीरन इसको साइन कर दी पेन सही ठीक है ना, वीरन प्रॉपर्टी पेन प्रॉपर्टी पेन प्रॉपर्टी ठीक हो गया ठीक है। जो वीएम का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, वीएम में भी चीज नहीं होती, वीएम में नहीं है, वीएम में क्या होता है, वीएम में एक स्विच दूसरा स्विच एक स्विच को एक करते हैं ये करते हैं या ये कॉन्सेप्ट इसको चल रहा है जी जी कैसे जज करूंगा लेकिन इसमें आपको चीजों पे जो है मैनुअली टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड नहीं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसमें जो स्विच यूज होता है वो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ओनली फॉर एक्सटर्नल स्विच। एक्सटर्नल स्विच आपकी हर तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। प्राइवेट स्विच अगर आप कोई अपना जिसमें डेटा बेस है आप अपने डेटा बेस को बाहर की दुनिया में एक्सेस नहीं करवा देते, उसके साथ आइसोलेटेड रखना चाहते हैं अपने ही वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो फिर आप बेशक प्राइवेट पे चले जाते हैं, प्राइवेट स्विच पे चले जाते हैं, जाने मतलब मुझे पता नहीं है। प्राइवेट स्विच में आपसे फिजिकल एनआईसी का नहीं पूछेगा, ना तो ये कोई एनआईसी खुद से वर्चुअली क्रिएट करेगा प्राइवेट स्विच में, इसको नोट करना पड़ेगा। प्राइवेट स्विच के केस में ना तो वो कोई वर्चुअल एनआईसी क्रिएट करेगा और ना ही आपके फिजिकल एनआईसी का पूछेगा। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हाइपर जब हमने कल इंस्टॉल किया था तो हमसे वो पूछ रहा था कि क्या फिजिकल एनआईसी देना चाहते हो, और हमने से कहा था नहीं लेटर, हमने से कहा था लेटर बाद में मिलेगा क्योंकि अभी तक हमने नहीं सर दिया ठीक है। अब मैं अगर उसको क्रिएट करना देती हूँ अब एक इंटरनल क्रिएट करता हूँ तो यहाँ से इंटरनल हाईलाइट होता है, इंटरनल हाईलाइट होता है ठीक है, और ऊपर नहीं करना डर है। और इंटरनल में जब आप क्रिएट करेंगे तो ये एक वर्चुअल एनआईसी क्रिएट करेगा आपके सर्वर पे, आपके वेब सर्वर पे उसको क्रिएट करेगा। अब ये मशीन अगर आपको ये स्विचेस नजर में आएंगे सिंपल मशीन की स्टार्टिंग में चल रहे हैं तो हमारी प्राइवेट स्विच में होंगी वो आपस में कनेक्टिविटी उनकी हो जाएगी, दोनों मशीनों को अगर दोनों के आपस में चलाना चाहते हैं तो दोनों को आपस में ज्यादा कम्युनिकेशन हो जाएगा। इंटरनल स्विच मीन्स के एक
सिंपल कॉन्सेप्ट म्यूचुअल एनर्जी की यूज करेगा, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जी आप अगर चाहते हैं कि मेरे जो सर्वर मुझे सर्वर चल रहा है सर्वर चल रहा है उसकी और इस वर्चुअल मशीन का उसमें कनेक्टिविटी करवाना चाहते हैं, दो सर्वर वहाँ पर यूज कर रहे हैं, कोई सर्वर नहीं आप कम्युनिकेशन भी हो, ठीक है। लेकिन आपका जो फिजिकल एनर्जी है वो लेदर ट्रैफिक परफॉर्म कर रहे हो और ये वर्चुअल ये पहला कर रहा ठीक है, दस दस मेगा डिसम टू मेगा डॉलर की रेट लेकिन एक मौसम इसमें जो है वो क्या है कि जब हम एक्सटर्नल क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल जब क्रिएट करते हैं उस वक्त वो हमारा अगर फिजिकल एनर्जी है, आपने मेरे आईपीस पे दिया हुआ जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल एनर्जी में की होती है, जैसे एक्सटर्नल स्विच आप क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली एक वो कॉन्फ़िगरेशन को माइग्रेट करेगा एक्सटर्नल के अंदर और जो आपका फिजिकल एनर्जी है उसको टोटली वो ग्राउंड कर देगा, बिल्कुल ब्लैक कर देगा उसको। अगर आप स्टेटस देते हैं उसको प्रॉपर्टी में ओपन करें कुछ नहीं पड़ता क्योंकि उसके फंक्शनलिटी थोड़ा बहुत समझ गई होती है, क्योंकि उसका जो गोल है वो किसका सारा उसका होता है वो एक्सटर्नल एनर्जी का सारा उसका होता है। होता ये इस प्रदेश पर मतलब गैस पे नहीं होता अभी देखो मैं करते जाता हूँ। अब अगर ये मेरे पास ये इसका फिजिकल है क्या है बीएस पे 10.5 10.6 7 5 मतलब दोबारा रिमोट करना पड़ेगा।